आज रोज डे के मौके पर जब सुबह में गई ना फ्लोरिस्ट के पास, तो इतने सारे गुलाबों को देखकर मुझे तो हो गया कंफ्यूजन। हर एक गुलाब एक से एक सुंदर, इतनी सारी कलर्स वैरायटीज, तभी तो लेकर आई हूँ मैं इन्हें एक साथ। और ऐसा ही है हमारी सगली स्टोरी में भी। कैसे? ऐसे। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आगाज टीम भोजपुरी की दबंग गई। सभी टीम्स हैं मुकाबले को तैयार। मुंबई में हुआ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का कर्टन रेजर, जहां अलग अलग टीम्स के बीच होगा क्रिकेट का मुकाबला, और ये सभी होंगे सेलिब्रिटी की टीम्स। बॉलीवुड, टीवी, भोजपुरी इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, यहाँ सभी हैं शामिल और बने हैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का हिस्सा। 3 साल बाद हुआ है CCL का आयोजन और इसके लिए सभी काफी एक्साइटेड हैं और इनका जोश भी है काफी हाई। तो चलिए करते हैं मुलाकात भोजपुरी दबंग्स टीम के साथ, जिसके कैप्टन हैं मनोज तिवारी और सभी टीम मेंबर्स जो हैं CCL के लिए काफी एक्साइटेड। पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे क्रिकेट के मैदान में और बजाएंगे अपनी जीत का डंका। भोजपुरी दबंग के सबसे बड़े दबंग हमारे साथ है मनोज जी, तो द कैप्टन ऑफ द शिप है, तो कैसे रह रहा है पूरा आपकी टीम, और थोड़ा बताइए अपने टीम के बारे में। टीम हमारी पहले से बेहतर है, टीम तो वही है, बस ये है कि कुछ एक दो नए लड़के आए हैं, बट अब टीम हमारी बैलेंस हो गई है। पहले हम लोग कीपर हमारा थोड़ा वीक था, अब वो मजबूत हो गया है तो मजबूत कंधों पर अब जो है बाहर। हाँ, कीपर बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, इम्पोर्टेंट प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि उससे हम लोगों का असर पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में हम लोग 15-20 रन वहीं से दे देते थे, तो वो एक बड़ा फ़ायदा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि फिर से CCL 3 साल बाद शुरू हो रहा है, बीच में कोरोना और इसके बाद फिर से हम खड़े हैं। कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं बेसिकली जब हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब मिलते हैं, वो एक कमाल की फीलिंग है। अभी सब हम लोग दोस्त मिल रहे थे, तो सोचो हम ये नहीं जानते कि किस रीजन का कौन बड़ा सुपरस्टार है, 2-3 लोगों को छोड़ के, लेकिन अब हम जानते हैं CCL के कारण कि कौन कौन सुपरस्टार है, कौन कौन खेल रहा है, अरे कौन किसकी फिल्म अच्छी चल रही है, कौन अच्छा कर रहा है, सब चलता है। और फिर एक वन नेशन की फीलिंग जो आती है वो बहुत कमाल है। आपका कौन फेवरेट इंडियन क्रिकेटर है? इंडियन क्रिकेटर अभी पहले धोनी था, अब विराट हो गया है और बीच में और भी 2-3 लड़के हैं जिनको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, सूर्य कुमार यादव है, और अभी जो शुभमन गिल ने जो दिखाया है वो मैं बहुत दिन से सोचता रहता था कि शायद ये निकल के आएगा, एंड हम वी आर प्रेइंग कि ऋषभ पंत जल्दी स्वस्थ होके आ जाए। इंडिया की टीम अच्छी है, बट क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो नो डाउट विराट इस समय हमारा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है, बट स्टिल वी आर मिसिंग धोनी। मनोज जी, आपको खुद को पर्सनली क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, बॉलिंग करना या फिर बैटिंग करना? ओपनिंग करना, दोनों में मैं बैट से भी बॉल से भी, और मैं करता ही करता हूँ। मैं अगर 20-20 है तो 40 ओवर ग्राउंड पे रहना चाहता हूँ, और अगर 10 का जो फॉर्मेट है उसमें आएगा तो फिर ये तो क्रिकेट थोड़ी बदल जाएगी, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं अभी क्या हो, मतलब 3 साल के बाद वो कैसी धार रहती है, कैसी स्विंग रहती है, कैसा बैट पे आता है। प्रैक्टिस कितनी हो पाई है? नहीं, बहुत प्रैक्टिस नहीं हो पाई है,
अभी प्रैक्टिस हम लोग कुछ और चीज़ की करते हैं बट मुझे लगता है कि हम आ जाएंगे लय में आ जाएंगे। स्केड्यूल से इतना टाइम निकालना अपने लिए खुद के लिए और फिटनेस का कितना ध्यान रखते हैं? देखिए हम जो हमारी केंद्र की सरकार है तो उसमें हम लोग इंडिया फिट पे भी बहुत जोर देते हैं और इंडिया फिट जो नरेंद्र मोदी का एक थीम है उसको CCL पूरा कर रहा है। वरना जो हमारे फिल्म्स के स्टार्स हैं वो जो उनका खाली समय होगा वो क्रिकेट में जाएगा, खेल में जाएगा। अदरवाइज़ कभी कभी कुछ हम सभी को कुछ गलत आदतें लग जाती हैं तो उससे बचाएगा CCL। और मुझे मैं उन स्टार्स को भी बोलना चाहता हूँ, हालांकि मुझे सजेस्ट करने का कोई बड़ा हक नहीं है बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कितने ही बड़े सुपरस्टार हो एक बार CCL से जुड़ने की कोशिश करो अपने अपने रीजन में। भोजपुरी दबंग के दबंग दिनेश लाल यादव जी नेरे हुआ तो हाथों में बैट लिए रेडी है CCL के लिए? जी बिल्कुल रेडी है। और भोजपुरी दबंग को खास करके CCL का हमेशा इंतज़ार रहता है और भोजपुरी दबंग इतना एक्साइटेड रहती है CCL के लिए कि जब कोरोना के दौरान नहीं हो पाया CCL तो उस दौरान भोजपुरी दबंग ने एक नई सीरीज शुरू कर दिया था BIPL यानी भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग, क्योंकि वो खेलना नहीं छोड़ सकते, वो खेल से दूर नहीं रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी दबंग के लिए CCL कितना महत्वपूर्ण है और कितना हम इंजॉय करते हैं। हमारे लिए एक उत्सव के जैसा होता है CCL, क्योंकि हमारे देश की सभी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो इसमें शामिल होते हैं और आज तो ऐसा हो गया है कि भाषा का कोई बैरियर रहा नहीं। साउथ की फिल्में आज नॉर्थ में देखी जा रही हैं, नॉर्थ की फिल्में साउथ में देखी जा रही हैं, बंगाली फिल्में साउथ में देखी जा रही हैं। तो अब जो वो बैरियर था भाषा का वो ख़त्म हो चुका है और हर इंडस्ट्री के स्टार्स को हर जगह के लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे में जब ये CCL देश के अलग अलग हिस्से में होगा तो ये हम सबके लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही शानदार मौका है इंजॉय करने का। विक्रांत हमारे साथ में है और वो है भोजपुरी दबंग और ये जो दबंग है वो क्रिकेट के मैदान में दबंगाई दिखाने वाले हैं। तो विक्रांत कितनी प्रैक्टिस हो गई है? जी हाँ, एक्चुअली हमें खेल बहुत पसंद है क्रिकेट, हमें ही नहीं पूरे भारत में या बोले तो वर्ल्ड में बहुत लोग लाइक करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं क्रिकेटर होता। और मोस्टली मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि उनकी तैयारी थी पहले क्रिकेट खेलने की, लेकिन होता ना कि एक आप क्या सोचते हो कहाँ चले जाते हो। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और दूसरी टीम भी उसी तरीके से है। हमने जो देखा है बिकॉज हमने बहुत सारे मैचेस खेले हैं साथ में तो वो एकदम प्रॉपर आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सेलिब्रिटीज़ हैं तो उस तरीके का नहीं, लेकिन प्रॉपर जो होते हैं T20 गेम उसी तरीके से हम खेलते हैं। शूट और दोनों इतनी प्यारी आपकी हॉबी रही है और जो करियर बनने के उसमें थी, लेकिन एक्टिंग आप कर रहे हैं और क्रिकेट आपका प्यार है तो इसके लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं ऐसे रोज़मर्रा में? देखिए इस खेल के लिए आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा जो आपको यहाँ से आप जिसको पसंद करते हो और क्रिकेट यहाँ है, ठीक है ना। और हम जैसे कुछ हमारे पास शब्द नहीं होते कुछ चीज़ के लिए बयां करने के लिए, यहाँ जैसे हमें प्रैक्टिस के लिए जैसे बोलते हैं कि 6 बजे आना है मॉर्निंग में तो हम 6 बजे पहुँच जाते हैं, वहीं पे कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा हम 19-20 करते रहते हैं क्योंकि हम क्रिकेट को बहुत ही दिल से प्यार करते हैं और दिल से मेहनत भी करते हैं। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो हमें देखेंगे उनको वो दिखेगा कि हाँ इन्होंने मेहनत किया है क्रिकेट में, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आपको एक प्रॉपर क्रिकेट देखने को मिलेगा। आपका जो प्यार है वो आपको चेयरअप करने यहाँ आने वाला है कि नहीं? अभी तो फिलहाल तो कर्टन रेजर है लेकिन चेयरअप के लिए तो ज़रूर मोना आएगी।
बिल्कुल आएंगी मोना, और वो एक्चुअली मैं आज भी आना चाह रही थी लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल है, कुछ चल रहा है उनका तो, लेकिन मोना मेरे से पहले मतलब मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैंने बोला ना कि क्रिकेट बहुत लोगों को पसंद है, खासकर फीमेल में भी बहुत एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, तो उनको भी ये मतलब अच्छा लगता है जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जर्सी पहनता हूँ, ये सारी चीज़ें, तो वो आना चाह रही थी बट थोड़ा सा बिजी हैं इसलिए नहीं आ पाई, बट हाँ आई एम श्योर कि वो मैच देखने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए आएंगे। ग्राउंड पे कहाँ स्पेशलिटी रहने वाला है आपका, आप स्लिप में होंगे खड़े या कहाँ फील्डिंग में कहाँ पर खड़े, आपका क्या पोजिशन रहता है? एक्चुअली देखिए क्रिकेट एक ऐसा गेम होता है कि आप कुछ भी मतलब एक फाइनल नहीं होता है कि आपको रहना कहाँ पे है, वो कैप्टन गुड बैट्समैन या बॉलर, मैं देखिए कहने के लिए मैं ऑलराउंडर हूँ बट मैं ओपनिंग बॉलिंग करता हूँ मैं, हाँ फास्ट फेंकता हूँ, मी एंड मनोज तिवारी जी जो हमारे कैप्टन हैं वो भी बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, उनके साथ मैं ओपन करता हूँ बॉलिंग और मौका मिलता है फिर उसके बाद हमको बैटिंग का, तो बैटिंग में भी अपना दिखाते हैं जो भी जलवा रहता है। हाँ। जरा विक्रांत स्टाइल में और भोजपुरी दबंग के स्टाइल में जरा अपील हो जाए, शुरू हो रहा है सीसी। हाँ भैया हम आप लोगों से बस यही विनती करना चाहते हैं कि हर बार की तरह भोजपुरी अब की बार भी गर्दा उड़ाई मैदान में, जैसे कि आप लोग इतना सपोर्ट के नहीं हमारे टीम के, तो हमरा के पूरा उम्मीद बा कि यह बार झंडा भोजपुरी गाड़ी और कप अपने हाथ में लेके जाए। राघव हमारे साथ में है और राघव पूरी तैयारी जोश के साथ एकदम, और होनी भी चाहिए, सीसीएल है और मैं वैसे मेरा ये फर्स्ट टाइम है और मैं बताऊं कि हम रिहर्सल्स किए, प्रैक्टिस की, इतना मज़ा आया कि अब इतना तैयार से हम लोग इतना तैयार हो गए ना कि हम लोग ये मैच जीत रहे हैं और ये टूर्नामेंट हम जीत रहे हैं, ये दावे से बोल रहा हूँ मैं। यानी पूरी कांटे की टक्कर होने वाली है, एकदम अभी टक्कर होगी, उसमें क्या है, हम लोग खड़े हैं, हम लोग तो हमेशा गर्दा मचाते हैं, मचाएंगे एकदम, भोजपुरी दबंग से हम लोग। कितना क्रिकेट कितना पसंद है, शुरू से बचपन से खेलते आ रहे हो या स्पेशल कुछ ट्रेनिंग भी ली है? ट्रेनिंग ऐसे नहीं बट गली क्रिकेट उसे सीखते सीखते हम लोग खेले हैं हमेशा और स्कूल में खेले हैं, तो मेरे हिसाब से मैं अगर बात करूं तो मैंने कभी ना मेरा हाथ बॉलिंग में सही बैठा नहीं, तो मैं सोचा एक काम करो सुमड़ी में बैटिंग करते रहो, बैटिंग प्रैक्टिस करते 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 राघव अच्छा बैट्समैन है। हाँ एकदम ये सही आपने बोला, और साथ में फील्डिंग कर लो क्योंकि मैंने सोचा कि टीम में रहना तो फील्डिंग आना भी जरूरी है क्योंकि बैटिंग तो जरूर कराएंगे नहीं ये लोग, तो इससे बेहतर है कि बैटिंग करो फील्डिंग करो और टीम में रहो। शूट और जो मैच कैसे मैनेज हो रहा है, कितने घंटे प्रैक्टिस चल रही है अभी? अभी तो फुल्ली फोकस है कि प्रैक्टिस करो क्योंकि ये अभी ज़्यादा ज़रूरी है, शूट तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बट अभी यहाँ पे इज्जत बचानी है, पहला मैच है भाई, तो प्लीज़ आप लोग प्यार देना अपने स्टेडियम में बिकॉज बहुत ज़रूरी है मेरे लिए ये मैच खेलना। मनोज जी कैप्टन है और मतलब साथ मिलके गर्दा मचाने वाले सब? एकदम गर्दा मचाएंगे और हमेशा मचता है जो मैं हमेशा सीसीएल का फैन रहा हूं। भोजपुरी दबंग से रवि यादव हमारे साथ है और रवि कितना तैयारी है? सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैम बहुत अच्छी तैयारी है और डेली प्रैक्टिस चल रही है और इस बार श्योर कह सकते हैं कि इस बार जो टीम जीतेगी वो है भोजपुरी दबंग जी। तो कितनी तैयारी, कितना मेहनत चल रही है, कितने घंटे रिहर्सल्स मतलब प्रैक्टिस चल रही है? देखिए इंटरव्यू में मैं बैठ के साथ आ जाऊँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है, और डेली प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, पूरी टीम बहुत रूटीन फॉलो करती है और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो भोजपुरी दबंग इज गोना विनर दिस टाइम। मनोज जी कैप्टन है तो कितना कुछ सीखने मिल रहा है, मनोज जी की प्रैक्टिस कैसे चल रही है आप सभी के साथ? देखिए फिल्मों से लेकर क्रिकेट तक बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मनोज जी हमारी इंडस्ट्री के महानायक हैं, सुपर स्टार रहे हैं और आज भी हैं, तो उनसे फिल्मों के जरिए भी सीखने को मिलता है,
और हमारी टीम के कैप्टन भी हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो इवन रवि यादव तो हर उस आदमी से सीखता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, मैं हर व्यक्ति से सीखता हूँ। मैं मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा टीचर होता है वो प्रकृति होती है। आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर व्यक्ति से सीखते हैं, हर इंसान से सीखते हैं और आसपास के लोगों से सीखते हैं। आपका क्रिकेट टीम से कौन फेवरेट प्लेयर है? मुझे लगता है कि मेरा ही नहीं सबके, धोनी सर मेरे फेवरेट हैं, या महेंद्र सिंह धोनी जी। तिवारी साथ में है, हाथों में बैट है और ये कुछ गाएंगे नहीं लेकिन हमारे साथ नाचेंगे जरूर और उतनी ही मतलब उत्साह के साथ रेडी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नया सीजन नया साल है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, एंड सब इतने जोश में हैं, इतने उत्साह में हैं। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ये जो CCL है हमारे लिए, मैम मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि ये हमारे लिए दिस इज़ लाइक अ फेस्टिवल। हम सब एक्टर्स, सब आर्टिस्ट हम लोग वेट करते हैं कि कब हम अपने तमिल के, तेलुगु के फ्रेंड्स से मिलेंगे जो उनके इंडस्ट्री में बहुत बड़े नामचीन लोग हैं लेकिन हमारे साथ ग्राउंड पे खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत झगड़ा भी करते हैं, थोड़ा प्यार भी करते हैं। सो यस, वी आर लाइक एक्साइटेड। तो तैयारी तो पूरी है। और आपके सबसे फेवरेट कौन है प्लेयर? मेरे सबसे फेवरेट प्लेयर आप CCL में पूछ रहे हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर मैम, हमारे भोजपुरी दबंग का एक बहुत फेवरेट स्टेप है जो हम लोग जब भी जीतते हैं और विकेट जब लेते हैं तो हम लोग करके स्टाइल एक मैडम बहुत अलग है एंड हम लोग उसके साथ ही ग्राउंड पे उतरते हैं बिकॉज उसका मज़ा भी एक अपना अलग है। भोजपुरी दबंग से एक और दबंग हमारे साथ है, वो है आदित्य ओझा और वो भी रेडी है, हाथों में बल्ला लिए और CCL में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैसा रहा है पूरा अभी तक का जो प्रैक्टिस चल रही है, कैसी जा रही है? प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अच्छा। आई थिंक आई एम इन गुड फॉर्म राइट नाउ एंड आई होप कि CCL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसके पहले भी और उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा एंड आई होप कि दिस टाइम वी विन द CCL। से अंशुमन राजपूत हमारे साथ है और अंशुमन कितना एक्साइटमेंट? सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, एक्साइटमेंट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ये मेरा फर्स्ट CCL होगा। इसके पहले मैं गया हूँ मैचेस में बट मैं प्ले नहीं किया हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनरेबल होगा और बहुत ही थैंक्सफुल होगा, बहुत एक्साइटेड हूँ लेकर के CCL को। कौन कौन टीम मेंबर्स हैं इस बार आपके जो साथ देने वाले हैं आपका? टीम मेंबर इज लाइक टीम तो बनती है सबको मिला करके मेरे हिसाब से, तो मेरे जो भी सीनियर हैं प्रवेश भाई, आदि भाई एंड विक्रांत, ये लोग मेरे सीनियर हैं एंड देन ही वाज सेइंग कि यार अंशुमन इस बार कुछ करना है एंड देन एक विकेट कीपर की जगह खाली थी तो लकली एंड अनफॉर्चुनेटली मैं विकेट कीपर मिला उनको। सो उन लोगों का सपोर्ट है मेरे ऊपर, इवन मनोज जी का, सबसे बड़ी चीज़ दिनेश भैया का, दिनेश लाल आई मीन नीरव भैया का। भोजपुरी दबंग से प्रवेश हमारे साथ है और प्रवेश कितनी तैयारी हो चुकी है CCL के लिए? तैयारी तो 4 साल से चल रही है लेकिन फाइनली अभी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 4 साल बाद हम लोग सारी इंडस्ट्री मिलेगी। जितना इम्पोर्टेंट मैच है, जितना इम्पोर्टेंट खेलना है उतना इम्पोर्टेंट हम लोग को एटलीस्ट कोरोना के बाद मिलना था। भोजपुरी दबंग के साथ जुड़े हुए हैं रमेश नैयर जी और टीम का पूरी तरीके से ख्याल पूरा रख रहे हैं और क्या कुछ बोलना चाहेंगे पूरे इस बार के टूर्नामेंट के लिए? मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कोरोना के बाद बहुत बड़ी इवेंट होने जा रही है और हमारे लिए इस बार बहुत बड़ी जिम्मेवारी है
कि ओपनिंग सीसीएल का होम ग्राउंड हमारा है, 18 और 19 को होम ग्राउंड में, हमारे होम ग्राउंड में सीसीएल के सारे मैच खेले जाएंगे और ये रायपुर में खेले जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल से आप लोगों को बताएं और लोग टीवी में देखें और वहाँ पे आके हम लोगों का हौसला बढ़ाएं। मनोज जी है कैप्टन इस बार बोचनी दबंग के, तो कैसा पूरा उनके लिए क्या कुछ कहना? मनोज जी तो पहले ही रणजी खेल चुके हैं और मनोज जी अपने आप में सुपरस्टार हैं, हर फील्ड में सुपरस्टार हैं और बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं और वो हमेशा ही कैप्टन रहे और अभी भी कैप्टन हैं। इसके साथ अलावा दिनेश लाल यादव जी भी हैं, रवि किशन जी भी हैं और एक मैच में खेसारी लाल यादव जी भी आ रहे हैं। इस बार पूरा दबंगा ही जोर पर है। देखो आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी तो मैच जीतने के बाद पर चलेगा, लेकिन भोजपुरी दबंग हमेशा रहा है और रहेगा। यहाँ नजर आए सुनील शेट्टी, सुहेल खान, शब्बीर आलूवालिया, अर्जुन बिजलानी, वत्सल सेठ और कई सारे और सितारे। आपको बता दें कि इस साल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में कई सारी टीम्स हैं, जैसे कि मुंबई हीरोज जिसके टीम एम्बेसडर हैं सलमान खान, चेन्नई राइनोस, केरला टीम, बंगाल टीम जिसे ओन कर रहे हैं प्रोड्यूसर बोनी कपूर, तेलुगु वॉरियर्स, पंजाब दिशेर, भोजपुरी दबंग्स तो है ही, साथ ही साथ कई और टीम्स भी हैं, यानी कि मुकाबला बहुत ही ज्यादा कड़ा होने वाला है। बढ़िया और खुश हूँ कि सीसीएल शुरू हो रहा है, अभी ये 10 साल पहले शुरू हुआ और सीसीएल की खूबी ये है कि एंटरटेनमेंट के लिए हम खेलते ही हैं लेकिन साथ साथ चैरिटी भी करते हैं, उन बच्चों तक हम वो सभी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहाँ उनपे उनके एजुकेशन में उनके हेल्थ पे फ़र्क पड़ सकता है। सो सीसीएल इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू नो द यूनिटी ऑफ हमारी इंडस्ट्री लेकिन ऑल्सो टू गिव बैक प्लेइंग फॉर चैरिटी। इट्स द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट एंड इट यूनाइट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर, द इंडियन पीपल कम टुगेदर व्हेन देयर इज क्रिकेट, सो एंड you know now this seems to be the way and CCL I'm a part of, I'm supporting my friend here Rajkumar ji, he's the owner of Kerala Strikers. See, we are very very excited as Mumbai Heroes, we are very very excited and we're doing it after so long, I think 3 saal ho gaya hai last jab khele the hum jeete the, so bada maza aa raha hai, we started practicing also, so it's good fun and we are really looking forward to it. Those log jo hai alag alag industry se sab saath aate hain khelte hain and बट द गेम्स बहुत सीरियस होते हैं, बट गेम से पहले और गेम के बाद सब दोस्त हैं, गेम के वक्त स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं। यार मैं सी सी एल एज अ होल आई थिंक रादर देन गेटिंग बायस टू वन टीम आई थिंक आई एम रियली गोना एंजॉय द सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग ऑल टुगेदर। भाई एक्टिंग के साथ साथ ये क्रिकेट के मैदान में उतर कर खेल भी खेलेंगे, तो भाई तैयार हो जाइए सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में अपने चहेते सितारों को क्रिकेट के मैदान में खेलता देखने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, नाम तो आपको पता ही है सास बहू और पेटियां।